मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाके फुलाम चौराह नस्त विश्व शांति कॉलेज 5-7 बजे शाम रब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नासरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है, सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोजख में बना ले। आवाज से पब्लिक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अक्लियती इलाकों से बर्फी मसले को खत्म करने के लिए बर्फ रफ्तार इकदाम। 2 हाई पावर ट्रांसफार्मर हरसापल्ली सबस्टेशन में महज 48 घंटों में नस्ब किए गए। एक कारनामा ट्रांसफार्मर्स का अर्बन एमएलए ने किया आगाज। मदरसा अंजुमन इस्लामिया में बूढ़े जवान बच्चे कर रहे दीनी तालीम हासिल। मिल्लत को दीन से जोड़ना मदरसा इस्लामिया का मकसद। खोई रौनक बहाल करने खुसूसी इकदाम मुफ्ती सईद अकबर। मखदूश सरकारी इमारतों पर म्युनिसिपल अहदेदारान की अदम तवज्जा। बांसवाड़ा में खस्ता हाल म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स की दीवार गिरने से नौजवान जख्मी। अहदेदारान पर अवाम बरहम। जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर नए असला की तश्कील के जरिए बीआरएस कुमार सीएम केसीआर की क्यादत में तेजी से तरक्की पर गामजन। अर्पण मेले बीगाला। अब खबरें तफसील से। अखलियती इलाकों में बर्फी का मसले को खत्म करने के लिए महज 48 घंटों में हाई पावर ट्रांसफार्मर्स हैदराबाद से लाते हुए अरसापल्ली बर्फी सबस्टेशन में तंसीब किए, जिससे बार बार बर्फी गुल होने का मसला खत्म होगा। ट्रांसफार्मर्स की तंसीब में एमएलसी के कविता का अहम ताब। अर्पण एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। तंसीब किए गए बर्फी ट्रांसफार्मर से बर्फी की सरबराही का अर्पण एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों आकाश। शहर के अखलियती इलाकों में गुज़िश्ता लंबे अरसे से बार बार बर्फी गुल होने का मसला था। इस मसले को यौमे तासीस तेलंगाना जश्न के मौके पर मुनाकिदा बर्फी दिवस के प्रोग्राम में अखलियती कायदीन इमरान शहजाद वो कॉरपोरेटर बबलू खान ने बर्फी अहदेदारान एमएलए बिगाला वो एमएलसी के कविता के इल्म में डाले और बर्फी के मसले को हल करने की ख्वाहिश जाहिर, जिस पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने एमएलसी के कविता के तामुन से सिर्फ 48 घंटों में हल करने का कारनामा अंजाम दिया और महज 48 घंटों में हाई पावर ट्रांसफार्मर्स हैदराबाद से लाते हुए अरसापल्ली बर्फी सबस्टेशन में लगाए, जिससे अब अखलियती इलाकों में बर्फी का मसला नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की जाए। ट्रांसफार्मर से बर्फी सरबराही का आगाज अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अर्बन की आवाम को तमाम तर सहूलतें फ्राहम करने के लिए वो हर वक्त तैयार है और कोई भी मसला हो तो इनके इल्म में लाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और बर्फी मसले को हल करने का एमएलसी के कविता के ताबून पर इनका शुक्रिया अदा किया। निजामबाद शहर में ये माइनॉरिटी एरिया में करंट का जो बहुत प्रॉब्लम था वो हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि नया ट्रांसफार्मर हम डालेंगे और जैसे हमने अनाउंस किया है 48 घंटे के अंदर हैदराबाद से ट्रांसफार्मर आ भी गया
और इंस्टॉलेशन भी हो गया, अभी मेरा हाथों से इनाग्रेशन भी होएगा। और हम लोग जैसे गाड़ी में चढ़ते ही मैं कविता मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम एक बार फ़ोन कीजिए, हमको अर्जेंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, यहाँ पे बार बार ट्रांसफार्मर करंट यहाँ पे ट्रिप हो रहा है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो कविता मैडम भी फ़ोन किए और निज़ामबाद की आवाम से मैडम को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अभी से मेरे ख्याल से अभी तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है ज़रूरत होगा तो एक और ट्रांसफार्मर लाने के लिए भी हम रेडी है। कविता मैडम को शुक्रिया, थैंक यू। मदरसा अंजुमन इस्लामिया शहर का कदीम तरीन मदरसा, आज इस मदरसे में बच्चे बूढ़े और जवान दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में तलबा मा खयाम और शहरी तरीके पर कुरान सीख रहे। मदरसा अंजुमन इस्लामिया की रौनक बहाल करने और दीनी तालीम का अहम मरकज बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे और नौजवानों को दीनी माहौल देने जो देहातों से शहर में असली तालीम के लिए आते हैं। ताम वो खयाम सिर्फ 3,000 में मदरसा इस्लामिया में हासिल, हर एक का ताउन जरूरी। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब का तकसीम इस्नादात प्रोग्राम से खिताब, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को दीगर ने भी मुफ्ती सईद अकबर साहब की खिदमत को नाकाबिले फरामोश बताया के इंशाल्लाह और भी मदरसे में हमको दाखिले मिलेंगे और इससे मदरसे का जो एक वक़ार है फिर बहाल होगा और लोगों के दिलों में इस मदरसे की जो अजमत है पहले से वो और उसके अंदर तरक्की होगी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गरमाई क्लासेस के अंदर 27 बच्चे हिस्सा लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दारुल इकामा में इस वक्त 14 बच्चे हैं हॉस्टल में, और शहरी बच्चे जो सुबह आकर शाम तक तालीम हासिल करके जाते हैं वैसे 17 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि मौजूदा वक्त में जबकि दीनी तालीम की तरफ रुझान उम्मत मुस्लिमा का कम होता जा रहा है और अहले बातिल की साजिशें ये हैं कि दीनी मदारिस बंद हो जाए, उसके बावजूद अल्लाह ने करम किया, सब अहबाब की दुआएँ हैं, फिक्र है कि अल्लाह ने फिर भी जो है इतनी बड़ी तादाद यहाँ पहुँचाई है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे की समझो कि एक कामयाबी ये भी है कि हमारे हनीफ साहब जैसे आशिक कुरान यहाँ रहते हैं पिछले एक साल से। इन्होंने मुझे पिछले साल बताया कि मुफ्ती साहब मैं एड़ पेली का हूँ, तेलुगु मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, कुरान में तजवीज़ से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुरान पढ़ूँ, मुझे कोई भी ठिकाना नहीं दे रहे, कोई मेरी सरपरस्ती हौसला अफजाई नहीं कर रहे, क्या करूं। मैंने कहा कि हनीफ भाई मदरसा अंजुमन इस्लामिया हाजिर है, माशाल्लाह आ जाइए। उसी वक्त इनका एडमिशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह साल भर मेहनत करके ये नूरानी कायदा तजवीज से मुकम्मल करे और कौन सा पारा चल रहा, दूसरा पारा इनका चल रहा है। आज के दौर में ये सच्चे आशिक कुरान है, एड़ पेली अपना वतन अपनी वहां की सहूलतें राहतें छोड़ के 24 घंटे मदरसे के लिए वक्फे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे के इंतजामी कमेटी के लिए उनके इखलास की बरकत है। इसके जो बानी माजी के अंदर जिन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी 80 साल पहले, जिन्होंने कीमती ज़मीनें मकानात वक्फ किए, उन सब के लिए बेहतरीन सवाब जारिया है कि मंडल देहातों के बच्चे जो हाई स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले हैं वो यहाँ आकर इस मदरसे में दाखिला लेंगे, यहाँ क़याम ताम और मगरिब से इशा तक उनके लिए तालीम बालिगान, फिर दिन में किसी भी हाई स्कूल कॉलेज में जाके वो तालीम हासिल करेंगे। तो हम इसके ज़रिए से क्या चाहते हैं, यहाँ जाम मस्जिद करीब में है, बच्चे नमाज के पाबंद बनेंगे और मगरिब से इशा तक उनकी जो है कुरान की तालीम हुआ करेगी। इतवार को छुट्टी रहती उसमें जो है उनको एक मोमिन कोर्स इस्लामिक कोर्स बाकायदा उनको जो है इतवार को 2-3 घंटे पढ़ाएंगे, तो कॉलेज के साथ साथ जो है डिग्रियों के साथ साथ उनकी जो है ज़रूरी दीनी तालीम भी हो जाएगी। इस माहौल से उन्हों नेक बन के परहेजगार बनकर अल्लाह वाले बनकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐलान करें, खुशी की बात यह है कल एक खातून का फ़ोन आया आरमोर से कि मेरा लड़का शहर में जो है 12वीं क्लास पढ़ रहा है, मैं आपका वो ऐलान पढ़ी, मैं यहाँ एडमिशन कराने वाली हूँ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक साहब भैंसे से फ़ोन करें, मैं 7 जो है लड़कों को लेकर आ रहा एडमिशन के लिए, आप हजरात दुआ कीजिए कि मदरसा पूरा आबाद हो जाए, ऊपर के कमरे आबाद हो जाएँ, ये फ़ख्र मिल्लत जो है
इसको मुनहदिम करके आपको और जो है कुछ तामीरी काम का मंसूब बनाना पड़ेगा। इस मदरसे के अंदर समझो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ेंगे, जवान भी पढ़ेंगे। और खसूसियत यह है कि ये जो जितने बच्चे हैं 26 बच्चे हैं मदरसे के गरमाई क्लासेस के छोड़ के, कल नहीं परसों इनका एडमिशन जो है तबारक स्कूल में होने वाला है। और जो भी तालीम हासिल करे हैं उसमें मुफ्ती साहब की तरफ से इनामात और जिसको उनको सनद दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये काम ये क्या है बोल तो बच्चों की जो हिम्मत अफजाई करने के लिए सुबह रखा गया है। हालांकि सब लोग तो पढ़ते हैं लेकिन बच्चों की हिम्मत अफजाई भी करना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए निज़ामबाद में जो अंजुमन इस्लामिया कई ज़माने से जो है सो यहाँ पर तालीम हासिल नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं आ रहे थे, इसलिए कमेटी जो है सो ये सोच कर ये मुफ्ती साहब के ज़िम्मेदारी में अंजुमन इस्लामिया दिए हैं। और जब से यहाँ पर मुफ्ती साहब अकबर साहब की निगरानी में दिए हैं यहाँ पर 30 से 35 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है सो आगे भी इंशाल्लाह ये मुफ्ती साहब की सदारत में उनके जो है सो निगरानी में बहुत तरक्की करेंगे स्कूल। और मुफ्ती साहब से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की तरफ से कि साहब की निगरानी में जो है सो हमारा ये स्कूल चल रहा है। और निज़ामबाद में डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म नबूवत के तरफ से साहब जो है सो मुफ्ती साहब सदारत में जो है सो कई दीनी इदारे चल रहे हैं, कई मसाजिद के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और सब लोगों को हमारे मुस्लिम भाइयों को दीन की तरफ राग़िब किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। और जो सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत अपने उसूलों को अपनाते हुए आज तरक्याती रास्ते इख्तियार करें, हर जिले में कलेक्ट्रेट ऑफिस कायम करते हुए एक ही जगह से कामयाब हुकूमत कारामद हुकूमत चलाई जा रही। अरबन मेले बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 10 साल तकारीब को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुकूमत दिवस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के बाद हुकूमत की जानिब से अवामी सहूलत के लिए अवाम को बेहतर खिदमात दिए जाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। 10 जिलों से कायम किए गए तेलंगाना को 33 जिलों में तकसीम करते हुए ओहदेदारों को कम मेहनत में अच्छी खिदमात लेते हुए अवाम तक आसानी से पहुँचने के मौके फराहम किए। हर जिले में नए कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कायम करते हुए हर ओहदेदार को एक ही जगह काम देते हुए कामों को आसान कर दिया, जिससे तरक्याती कामों में तेजी लाए जाने में आसानी। नए जिलों को बनाते हुए जोनों में बांटने 95% मुलाजमतें मुकामी नौजवानों को हासिल करने के मौके फराहम किए गए। 60 साल पीछे रहने वाली तरक्की को सीएम केसीआर ने तेलंगाना उसूलों को 9 सालों में लाते हुए तेलंगाना रियासत को आज सरफहरिस्त बनाया। इस प्रोग्राम में ZPTC डी विठल राव, मेयर डी नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु दीगर भी मौजूद थे। వాళ్ళకి ఏ విధంగా సర్వీస్ వస్తా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క వర్గాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని దీపంగా వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారు చూసి, అంటే ఉద్యోగులు బాగుండాలి, రాష్ట్రాన్ని రక్షించేటటువంటి మా పోలీస్ సోదరులు బాగుండాలి, అధికారులు బాగుండాలి. ఇంకో విషయం మా కలెక్టర్ గారు కొంచెం చెప్పాలి, కొంతమంది ఇప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, వారికి వచ్చేటటువంటి శాలరీ ఐఏఎస్ హైదరాబాద్ తగ్గిందంట. ఎందుకంటే కేంద్రంలో రాష్ట్రం కంటే శాలరీస్ తక్కువగా ఉన్నాయి. సో రాష్ట్రంలో బాగున్నాయి, ప్రతి ఒక్కరు కడుపు నిండా పనిచేయాలి, అందరినీ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఉంచాలనేటటువంటి భావనతో ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఏం చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి కానీ, ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవరైనా ఏం చెప్తారంటే, ఈ నేను చేయించాను, ఇది నా వల్లే జరిగింది అని చెప్తారు. ఆఫీసర్స్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వరు, కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి స్టేజ్ మీద ప్రతి ప్రాజెక్టు విషయంలో కూడా ఇదంతా మీ వల్లే సాధ్యమని చెప్పి అందరికీ కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఒక కాళేశ్వరమే కావచ్చు, ఒక పవర్ ప్లాంటే కావచ్చు, ఇది అహర్నిశలు కష్టపడినటువంటి మా అధికారుల వల్ల సాధ్యమైందని చెప్పేసి ఎప్పటికప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులని मुलाकात।
एमएलसी के कविता और पिगाला ने मुबारकबाद दी और हर मुमकिन ताउन का तयफुन दिया। मॉस्को में मुनाकिदा ओशो स्टार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले निजामबाद शहर के डिवीजन नंबर 56 से ताल्लुक रखने वाले बासलाहियत खिलाड़ी फारिया खानम कॉर्पोरेटर बबलू खान के हमरा एमएलसी के कविता और रुकन असेंबली बीगला गणेश गुप्ता से मुलाकात करने पर इन आला कायदीन ने मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर में खस्ता सरकारी इमारतों पर म्यूनिसपैलिटी की अदम दिलचस्पी गरीब अवाम की जान पर बन आ रही। सरकारी तिजारती कॉम्प्लेक्स की दीवार मुनहदिम होने से लड़का शदीद जख्मी बेहोश निजामबाद अस्पताल पहुंचाया गया। बलिया अहदेदारों को होश में आने की जरूरत। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के अंबेडकर चौरास्ते में सरकारी तिजारती कॉम्प्लेक्स में इमारतें खस्ता हालत में हो जाने से इंसानों की जानों पर बना रहा। इस कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से की दीवार मुनहदिम हो जाने से हरि कृष्णा नामी लड़का शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया, जिसको मुकामियों ने शदीद जख्मी लड़के हरि कृष्णा निजामबाद जिला अस्पताल पहुँचाया। तिजारती कॉम्प्लेक्स की मंजिल पर मौजूद इंटरनेट ऑफिस में काम खत्म करते हुए सिग्ना बाई अपने शोहर अपने लड़के हरि कृष्णा की हमरा नीचे की जानी उतरते वक्त ये हादसा पेश आया। ये तिजारती कॉम्प्लेक्स की हालत खस्ता हो जाने से ये इमारत कब कहाँ किसके ऊपर गिर सकती है अवाम में डर खौफ बढ़ने लगा है। बताया जा रहा है कि म्यूनिसिपल अहदेदार टैक्सों की वसूली पर जितना दिलचस्पी बता रहे शहर में खस्ता सरकारी बिल्डिंगों पर नहीं बता रहे। अवाम ने इस मौके पर बरहमी जताई। गुज़िश्ता में भी इसी कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां टूट कर गिरी। अवाम का कहना है कि अगर म्यूनिसिपलिटी अहदेदारों ने तभी इस बिल्डिंग पर ध्यान दिया होता तो अब ये नौबत नहीं आती। అయితే సదరం క్యాంప్ కరం వచ్చాము వస్తే కింద దించి దిగినాం మెట్ల కిందకి వచ్చాము వస్తే నేను జర ముందు వెళ్ళిన బాబు ఇంతకి ఇంతకైనా సైడ్ నుంచి వస్తాను మట్టి కిందకి అయితే ఇంకో ఏం చేసిన వాళ్ళకి సడన్గా పడ్డది దీనికి పైన ఒక్కరో చెప్పిన పైన చెప్పి మన బాబు తీసుకొని హాస్పిటల్కి వచ్చాము। अरबा मिले बिगला गणेश गुप्ता ने सीनियर खैर बीआरएस अकबर खान की खयांगा वाके बरकतपुरा पहुंचकर अकबर खान को अफरादे खानदान से मुलाकात की खैरियत दरियाफ्त कुछ देर तवक्कुफ किया। अरबन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का अकबर खान एंड फैमिली ने पुरतपाक खैर मकदम किया और डेढ़ साल कबल सड़क हादसे के वक्त और उसके बाद भी एमएलए बीगला गणेश गुप्ता के ताउन पर इनका शुक्रिया अदा किया। रुकन असेंबली अरबन निजामबाद बीगला गणेश गुप्ता ने सीनियर खैर बीआरएस अकबर खान से इनकी खयाम का वाक़े बरकतपुरा पहुंचकर मुलाकात की। ये खैर सगाली मुलाकात थी क्योंकि तकरीबन डेढ़ साल कबल अकबर खान की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई जिसमें इनकी एक लड़की का इंतकाल हुआ था और अकबर खान और इनकी वालिदा शदीद जख्मी हुए। उस वक्त भी इत्तला के साथ अरबन मेले बिगला दवाखाने पहुंचकर इनकी इयादत की और लड़की के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया था। उसी जिमन में अरबन मेले बिगला गणेश गुप्ता ने जुमे की रात अकबर खान की खयामगाह पहुंचकर मुलाकात की तफसीली बातचीत की वालिदा और अफरादे खानदान की खैरियत दरियाफ्त की। अरबन एमएलए की आमद पर अकबर ने गुलहाए पेश करते हुए अरबन एमएलए का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अकबर खान के वालिद शौकत खान अरशद खान नुसरत खान खालिद खान अज्जू खान के अलावा एके हफीज जफर खान सैफ खान सफदर खान आमिर सोहेल असद पटेल मोहम्मद अतु मोहम्मद जमीर व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल जलील एनआरआई की दुख्तर की शादी खाना आबादी खयामगा पहुंचकर अरबन एमएलए गणेश गुप्ता ने अब्दुल जलील एनआरआई को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल जलील को दीगर ने गुलहाए पेश करते हुए अरबन एमएलए का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अब्दुल जलील एनआरआई बिजनेसमैन की दुख्तर ने अख्तर का निकाह दो हफ्ता कबल सैयद काशिफ जुनेद के साथ बहुस्न खूबी अंजाम पाया। रुकन असेंबली निजामबाद अरबन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मोहम्मद अब्दुल जलील की रिहायश गाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इन्हें शादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान बीआरएस कॉर्पोरेटर शेख रहीम छोटू सीनियर बॉडी बिल्डर व खायद बीआरएस अयूब खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
साइबर जराइम से गांव की अवाम होशियार है। अवामी तहफ्फुज़ के लिए पुलिस का ताबूत। हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स पर अमल करें। रुद्र एसआई रविंदर की गांव में शौर बेदारी। देही इलाकों में अवाम साइबर क्राइम जराइम से होशियार रहने के लिए रुद्र एसआई रविंदर ने आगाह किया। जुमे के दिन इन्होंने रुद्र मंडल के अंबब गांव आर्मी पुलिस कला ब्रंदम की क्यादत में साइबर जराइम जादू टोना जैसे शकों से दूर रहने के लिए अवामी शौर बेदार किया। इस मौके पर एसआई रविंदर ने बात करते हुए बताया कि अवामी तहफ्फुज़ के मुतालिक अवाम पुलिस का ताबूत है। साइबर जराइम से हमेशा होशियार रहें। ट्रैफिक कानून पर अमल आवारी करते हुए हादसों की रोकथाम करें। हर बाइक चलाने वाले हेलमेट का खसूसी इस्तेमाल करें। कार चलाने वाले सीट बेल्ट लगाएं। हादसों की कमी के लिए हर फर्द पर चौरास्तों पर सीसी कैमरों को नस्ब करें। एक सीसी कैमरा 100 पुलिस वालों की मुमासिल काम करता है। बचपन की शादियों की रोकथाम करें। जादू टोना वाहियात बातों शक व शुभों से दूर रहें और पुलिस का ताबून करें। इस मौके पर गांव वालों ने गुलपोशी शालपोशी करते हुए एसआई रविंदर को तहनियत पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच के भागैया एमपीटीसी एम लक्ष्मी रवि दीगर भी मौजूद थे। ఇంత మంచి ఎంపీటీసీ గారు సర్పంచ్ గారు అడగగానే స్టేజ్ అరేంజ్ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఈ కళా బృందం అనేటువంటి వీళ్ళు ఏరే వాళ్ళు గారు వీళ్ళంతా మా పోలీసు వారే మీకు ఎంత మంచిగా వివరించారంటే వీళ్ళు వివరించిన దానిలో 100% కనీసం 90% అన్న మీరు దాన్ని గ్రహించి అనుచరులకు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇదే స్టేజ్ మీద మీరు గత 4 సంవత్సరాల క్రితం మన గ్రామంలో అడగగానే అప్పుడున్న బీటీసీ వారు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పడేయాలని అనగానే చేశారు. మీ అందరికీ ప్రజలకు మరియు స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. నా తరఫున ఇప్పుడు అట్టి సీసీ కెమెరాలు కొన్ని పనిచేస్తున్నాయి కొన్ని చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడున్న వీడిసి నూతనగా ఎన్నికలైన వాళ్ళు దాన్ని బాగా చేసుకొని మన గ్రామాన్ని మన మండలంలో ముందడుగులో ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాను. నెంబర్ టూ ఈ ఓటీపీలు చాలా వస్తాయి, మీరు ఫేక్ కాల్స్ అన్నీ నమ్మద్దు. ఒక్కొక్కసారి పెద్ద స్మార్ట్ ఫోన్లలో ఎర్రగా వస్తుంది, అది ఎట్టి పరిస్థితులు పిల్లలకు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ చేసినా మీ డబ్బులు అన్నీ పోతాయి. తల్లిదండ్రులు చెల్లి పిల్లలకు ఫోన్ ఇవ్వద్దు. ఇంకోటి మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ద్విచక్ర వాహనాల మీద హెల్మెట్లు పెట్టుకుని నడవాలి. ఇంత మంచిగా మీకు వివరించారు మా కళా బృందం వారు. జంగ్లాబ్ కి జగా హోనే సే 2 సాలో సే రిక్కల్పల్లి దర్పల్లి వీటి సడక్ తామీర్ మే రుకావట్. ఫారెస్ట్ పొహదారు కి హమ్రా ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ZPTC जगन के हमरा सड़क का मुआयना। जल्द ही मसले की एक्सुई करने का MLA का तयफुन। दरपली मडर मुस्तफर से रतलपल्ली जाने वालों के लिए BT 2 सालों पहले BT रोड की मंजूरी दी गई थी। दरमियान में कुछ जमीन जंगलात शोबे की पाए जाने थी। इन कामों को फॉरेस्ट अहदेदारों ने रोक दिया था। इस मामले को रूरल MLA रियासती RTC चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन इनके हमरा दरपली ZPTC बाजीरेडी जगन ने मिलकर DFO विकास मैंस के हमरा सड़क का मुआयना किया। इस मामले में जंगलात सेवा का कितना नुकसान होने का अंदेशा लगाया गया। इस मौके पर MLA बाजीरेडी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि जंगलात के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए इस मसले की हल की एकसुई की जाएगी और जल्द ही BT सड़क की तामीर अमल में लाई जाएगी और जल्द ही रेक्कलपल्ली गाँव दुबाग गाँव वालों दरपली मंडल मुस्तफर पहुंचने की सहूलियत फ्राहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में मंडल रईस समिति खायर पी राजपाल रेड्डी, BRS मंडल सदर महिपाल यादव, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अखिलती इलाकों से बर्फी मसले को खत्म करने के लिए बर्फ रफ्तार इकदाम। 2 हाई पावर ट्रांसफार्मर्स हरसापल्ली सब स्टेशन में महज 48 घंटों में नस्ब किए गए। एक कारनामा ट्रांसफार्मर्स का अर्बन MLA ने किया आगाज। मदरसा अंजुमन इस्लामिया में बूढ़े जवान बच्चे कर रहे दीनी तालीम हासिल। मिल्लत को दीन से जोड़ना मदरसा इस्लामिया का मकसद। खोई रौनक बहाल करें खुसूसी इकदाम मुफ्ती सईद अकबर।
मखदूश सरकारी इमारतों पर म्युनिसिपल अहदेदारों की अदम तवज्जो। बांसवाड़ा में खस्ता हाल म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स की दीवार गिरने से नौजवान जख्मी, अहदेदारों पर अवाम बरहम। जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर, नए असला की तश्कील के जरिए बीआरएस कुमार सीएम केसीआर की क्यादत में तेजी से तरक्की पर गामजन। अर्पणे मेले बीगाला। तो ये थी खबरों की तफसील, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।